नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काल बनकर आई है। इससे पॉजिटिव रोगियों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है और सरकार के रोकथाम के सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। सीएम गहलोत ने एक बार फिर कहा है कि रोजी रोटी बचाने के लिए हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं ताकि आजीविका चलती रहे, लेकिन जीवन बचाना भी हमारे लिए जरूरी है। सीएम गहलोत ने कहा है कि हमें सख्त कदम उठाने ही होंगे। शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या को पहले ही हमने कम कर दिया है और आने वाले दिनों में हम और कम करेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में अब शादी समारोह में 100 की जगह 50 लोगों को ही अनुमति दी जा सकती है। आपको बता दें, इससे पहले सीएम गहलोत के आवास पर शनिवार को एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजा बाबू पंवार और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण और अति आवश्यक नियम लागू करने के सुझाव दिए हैं। इसमें सबसे पहला नियम है कि वैवाहिक और सामाजिक आयोजन में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 50 की जाए। विशेषज्ञों ने सीएम गहलोत को सुझाव दिया है कि कोचिंग संस्थाओं में कक्षाओं पर रोक लगाई जाए और स्कूल विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए ही प्रवेश दिया जाए। और सीएम गहलोत ने भी कहीं न कहीं आज यह संकेत दे दिए हैं कि राजस्थान में भले ही फिलहाल लॉकडाउन ना लगे, लेकिन आने वाले दिनों में और ज्यादा सख्ती देखी जा सकती है। सीएम गहलोत ने आज कहा है कि पिछली बार कोरोना गांव में नहीं फैला था। सीएम गहलोत ने कहा है कि लेकिन अब यह गांव में फैल रहा है। कोरोना से मरने वालों में 30% गांव के। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि पहले कोरोना का लोगों में डर था, अब लोगों में भय खत्म हो गया है। जनता समझ नहीं रही है, लोग लापरवाह हो गए हैं। हमने सख्ती भी की है, नाइट कर्फ्यू लगाए हैं, रेस्टोरेंट बंद कर दिए हैं, शादी समारोह में लोगों की संख्या और कम होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले ही लॉकडाउन से इनकार कर दिया है, लेकिन सीएम गहलोत ने यह भी कहा है कि राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रदेशवासी लापरवाही बरतते हैं तो सरकार सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। तो यही थी प्रदेश की आज की बड़ी अपडेट। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।